Morning. Morning. Today we will speak about the introductions of final account. Okay. Basically, final account बहुत important chapter है for FYJC and as well as SYJC students. Introductions. I'm going to give you introductions of final account. बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट मालूम करना चाहता है साल के अंत में. फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है. तो 31 मार्च को फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशंस होती है, ठीक है. सो ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाया जाता है. ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस जो लेजर से एक्सट्रैक्ट की जाती है. सबसे पहले हमारा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट. क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है. ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसके ट्रांजेक्शन हम ट्रेडिंग अकाउंट में पुटअप करते हैं. डेबिट साइड में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्रीज आती है. एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, लेस परचेज रिटर्न हुआ, वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्राइट चार्जेस हो गया, रॉयल्टी हो गया, ये डेबिट साइड में आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के. क्रेडिट में आता है डायरेक्ट इनकम, मींस सेल हो गया, हमको डायरेक्टली पैसा मिलता है, इनकम हमारा डायरेक्ट इनकम है. क्लोजिंग स्टॉक हो गया, जो हमारा सामान बच गया वो हमारे लिए इनकम है. फिर गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल हो गया, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं. हमारा मेन जो एम होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हमें मालूम करना होता है. इसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहता है. यस और नॉट? यस सर. ओके. Now coming back to the profit and loss account. Profit and loss account. Profit and loss account क्या होता है कि जो हमारा administrative department होता है, selling department होता है, उनमें जो खर्चे होते हैं, indirect expenses. Indirect expenses means what? जो debit side में हमारे expenses आते हैं, example salary हो गया, rent हो गया, insurance हो गया, bank debt हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया. ओके, सो दैट एक्सपेंसेस विल कम ऑन द डेबिट साइड्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्रेडिट साइड में होगा इनडायरेक्ट इनकम. का मतलब होता है कि हमें जो पैसा मिल रहा है, बिजनेस को जो पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट की फॉर्म में मिला, डिविडेंड की फॉर्म में मिला, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में मिला, वो हमारे लिए पैसा इनकम होता है, तो वो क्रेडिट में आता है. ठीक है, तो हमारा मेन एम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का, नेट प्रॉफिट निकालना है या नेट लॉस निकालना है. वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टनर का रेशियो समझो मान लो 3:2 है और 50,000 का प्रॉफिट होता है तो 30,000 रुपीस ए पार्टनर को, बी पार्टनर को 20,000 आता है. अगर पार्टनर का रेशियो नहीं देता है, अगर 50,000 का प्रॉफिट आता है तो इक्वली पार्टनर है तो 25,000 ए और बी को मिल जाता है. अगर रेशियो देता है तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेशियो नहीं देता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. राइट, सो ये पैसा पार्टनर्स के अकाउंट में जाता है, क्रेडिट साइड में कहा जाता है, और उनके कैपिटल से ऐड हो जाता है. उनके कैपिटल से ऐड होता है. अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में जाएगा और कैपिटल से डिडक्ट होगा. तो कैपिटल जो है वो लेस हो जाएगा पार्टनर का और बिजनेस की लायबिलिटी कम हो जाएगी. अगर प्रॉफिट होता है तो बिजनेस की लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, फ्यूचर में बिजनेस ज्यादा पैसा देना होगा पार्टनर्स को. तो पार्टनर का पैसा पार्टनर्स को. सो विल कंटिन्यू नाउ. ओके, so we were speaking about the partners capital account, है ना? Partners capital account में actually होता है कि partners के related entries आएंगे, partners के related entries आएंगे. तो
जैसा कि पार्टनर अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको क्रेडिट में शो किया जाता है क्योंकि बिजनेस के लिए वो लायबिलिटीज है तो बिजनेस उसको पे करेगी। अगर पार्टनर्स ड्राइंग करता है, ड्राइंग का मतलब होता है कि भाई पार्टनर अगर बिजनेस से पैसे निकालता है तो उसके कैपिटल से डिडक्ट होगा, उसके कैपिटल से डिडक्ट होगा तो बिजनेस की लायबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है या पार्टनर को कमीशन मिलता है या पार्टनर को सैलरी मिलती है तो पार्टनर के पैसे बढ़ जाते हैं और बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो पैसा जो है लायबिलिटीज में ट्रांसफर हो जाता है। लायबिलिटीज में ये शो करता है कि भाई जितना डेब्ट्स है बिजनेस को पे करना होगा, जितना भी डेब्ट्स है जैसा कि लायबिलिटी में पार्टनर्स का पैसा हो गया, क्रेडिटर्स का पैसा हो गया, बिल्स पेबल का पैसा हो गया, आउटस्टैंडिंग का पैसा हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, यस नॉट। और कमिंग बैक टू द एसेट्स, एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होती है, जैसा बिजनेस में फर्नीचर है या प्लांट एंड मशीनरी है, उस पर डेप्रिसिएशन हो रहा है, अगर एक साल का इस्तेमाल हो गया प्लांट एंड मशीनरी का तो उसका डेप्रिसिएशन निकालना होगा, फिर वो डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए नुकसान होता है और नुकसान की एंट्री जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाती है, लॉस और एक्सपेंसिव की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाती है, और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो है वो एसेट्स में आ जाती है क्योंकि वो एसेट्स होता है उनके लिए। प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है, जो एडवांस मिलता है, वो साल का खर्चा नहीं होता है तो वो एसेट्स होता है बिजनेस के लिए, वो एसेट्स में आ जाता है। प्लस मोटर व्हीकल हो गया, कार, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया, प्लांट एंड मशीनरीज हो गया, फर्नीचर्स हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश एंड बैंक हो गया, ये सारे एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारे एसेट्स में शो करते हैं। दिस आर द स्मॉल इंट्रोडक्शंस एंड नाउ उसके बाद जो है एडजस्टमेंट की हम नेक्स्ट वीडियोज में डालेंगे। ओके, थैंक यू।